कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। देश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका असर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पर भी देखने को मिला। लॉकडाउन के कारण इसरो के सभी सेंटर्स पर काम कम हो गया है। इसरो के सेंटर्स पर काम होने के बाद कोरोना के संस्थान बजट पर भी हमला किया है। इसरो के वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के बजट में बड़ी कटौती की गई है। इस कटौती से इसरो की कार्यप्रणाली पर कितना असर पड़ेगा ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। कोरोना के खिलाफ लगाए गए लॉकडाउन और पैसे की सीमित पहुँच के कारण इस साल कई मिशन देरी से होंगे। ये कहा जा रहा है कि इसरो कुछ मिशन अगले साल तक के लिए टाल सकता है। इकोनॉमी अफेयर्स विभाग के बजट डिवीज़न के एक ऑफिसर ने मेमोरेंडम जारी कर अंतरिक्ष विभाग को कहा कि आपके वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 15% कटौती की जा रही है, आपको दिए गए निर्देश अनुसार ही अपना खर्च चलाना होगा। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार की ओर से की गई 15% कटौती से इसरो के किसी भी मिशन पर असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना है कि इसरो के पास हर मिशन के लिए अलग बजट होता है। आमतौर पर संस्थान के पास इतना पैसा होता है कि इमरजेंसी में किसी मिशन को रोकना ना पड़े। विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इसरो के सारे मिशन एक शेड्यूल के मुताबिक बनाए जाते हैं और उसी मुताबिक काम किया जाता है। यदि किसी वजह से किसी मिशन में देरी होती है तो दूसरे कामों को ना रोकते हुए अगले मिशन को शुरू किया जाता है। इस साल अगर इसरो के मिशन में देरी होगी तो वो लॉकडाउन की वजह से होगी। इस पर बजट में कटौती करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।